तो भैया एक्सपेक्टेशंस तो बहुत तगड़ी थी रणबीर कपूर के एनिमल से, और आज फाइनली 28 सितंबर को हमें इसका पहला ऑफिशियल टीजर देखने को मिलता है, एंड लेट्स सी कि ये हमारे एक्सपेक्टेशंस से मैच कर पाई है या नहीं। September 28 रणबीर कपूर का बर्थडे है और आज ही हमें रिटर्न गिफ्ट में एनिमल का टीजर देखने को मिला है। टीजर के स्टार्ट होते ही हमें रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर आपस में बात करते हुए मिलते हैं। बातें सुन के ये पता चलता है कि रणबीर कपूर ऐसा चाहते हैं कि वो एक बाप बने, जिस पे रश्मिका कहती है कि तुम शायद अपने बाप जैसा बनना चाहते हो, जिस पे रणबीर कपूर एग्रेसिवली कहते हैं कि वो उसे किसी भी बारे में पूछ सकती है लेकिन उसके बाप के बारे में वो बात ना ही करे तो बेहतर है। टीजर में ये देखने को मिलता है कि रणबीर कपूर के पिता जो कि अनिल कपूर होते हैं मूवी में, उनके बीच कुछ टॉक्सिक टाइप रिलेशनशिप होता है, बट फिर भी रणबीर कपूर उन पे अपनी जान न्यौछावर करता है। एंड देन वी गेट टू सी अ डेडली बैड बॉय गैंगस्टर टाइप लुक ऑफ रणबीर कपूर, जो कि ये प्रूफ देता है कि इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ही हैं, जिन्होंने कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। संदीप रेड्डी वांगा सर की मूवीज में एक बात तो पक्की होती है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो एकदम हरामी होता है या फिर साइकोपैथ ही होता है। सेम इस फिल्म में भी रणबीर कपूर अपने मुंह से अपने कैरेक्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं, एनीथिंग डर्टी पॉर्न देखता हूं, लड़की झुकती है तो चेकआउट करता हूं, एंड आई विल ऑलवेज गिव एन ऑनेस्ट आंसर। एनिमल मूवी की कहानी कुछ कुछ इस ओर इशारा कर रही है कि ये फिल्म बाप बेटे के टॉक्सिक रिलेशनशिप के अराउंड रिवॉल्व करेगी, और जहां कहानी का बैकग्राउंड अंडरवर्ल्ड और खून खराबे से भरा होगा, ऐसे बैकग्राउंड की वजह से शायद रणबीर कपूर एक साइकोपैथ का रूप ले लेता है। टीजर के एंड में बॉबी देओल दिखाई देते हैं, जो कि ऑब्वियसली रणबीर कपूर के एनिमी होंगे। मूवी का कलर ग्रेड देख के साफ पता चल रहा है कि ये मूवी एग्रेशन से भरी होगी। ओवरऑल मुझे तो पसंद आया टीजर, एक्सपेक्टेशन से तो अभी तक मैच खा रही है। ट्रेलर देख के पता चलेगा कि आगे क्या होगा। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।